हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा, आज जो एंट्री हम लेंगे वो लेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है एग्जामिनर द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब होता है बेटा कि जैसे होलसेलर, आप जानते हैं होलसेलर क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में अपने पास गुड्स को एक्वायर करके रखता है और फिर वो रिटेलर को बेचता है। तो हर होलसेलर, देखो, बेचने वाला ये चाहता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी का अमाउंट बिके, और ख़रीदने वाला ये सोचता है कि उसे सस्ता पड़े। ठीक है, बेचने वाला क्या चाह रहा है कि उसका ज़्यादा माल बिके, खरीदने वाला क्या चाहता है कि उसको सस्ता पड़े। अब बेचने वाला ज़्यादा चाहता है, खरीदने वाला कम रेट चाहता है, तो दोनों की इच्छा को पूरी करने के लिए को बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का फ़ायदा क्या होता है वो समझाता हूँ आपको मैं। देखो, व्यापारी क्या चाह रहा है, व्यापारी चाह रहा है कि उसका ज़्यादा माल बिके। अगर वो 2 लाख के माल को 2 लाख के माल को 180 में बेचता है तो भाई लेने वाला बिल्कुल लेगा। वो कहेगा यार चलो हर माल में मुझे हर माल में मुझे 20,000 की बचत हो रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। जहां वो 10 लेगा वो सोच रहा है कि मैं 50 ले लूँ, 40 ले लूँ, 100 ले लूँ। ठीक है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट का ये फ़ायदा होता है कि व्यापारी का ज़्यादा माल बिक जाता है। अगर माल कम बिकेगा तो वहाँ स्टोर होकर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा माल बिकता है तो वो नया माल और ला के रख सकता है। और ट्रेड जो हमारा रिटेलर होता है उसका ये फ़ायदा है कि भाई जहाँ वो लेने गया था 10, वहाँ से ले आया वो 40 या 50, क्योंकि उसको माल सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें दोनों का फ़ायदा है मेरे लिहाज से। ठीक है, तो समझते हैं। और दूसरी मेन चीज़, ट्रेड डिस्काउंट को हम जनरल में शो नहीं करते बेटा, क्योंकि कोई भी दुकानदार, आप ऐसा करना, शाम को किसी भी दुकान में जाना है, अभी थोड़ी देर बाद किसी दुकान में भी जाना और वहाँ उनसे बोलना कि सर ये आपको जो पेप्सी है या जो कोई भी सामान है इसमें इतने रुपए लिखे हुए, 20 रुपए लिखे हुए, क्या आपको 19 की पड़ती है, क्या आपको 18 की पड़ती है। वो बोलेगा नहीं नहीं बस थोड़ा बहुत बचत का सामान जो बचता है वही है, बस इतने रेट पड़ता है। जबकि अगर आप कायदे से देखें तो वो 20 रुपये जिसमें MRP होता है वो कम से कम 14 या 12 की पड़ती है, पर कोई दुकानदार नहीं बताएगा। ठीक है ना, अब बताएगा भी क्यों भाई, उसकी ट्रेड पॉलिसी है। तो ट्रेड डिस्काउंट का यही फायदा है कि भाई होलसेलर उसको ज़्यादा बेच पाए और जो परचेजर है उसको वो कम रेट में ज़्यादा ले पाए। तो ठीक है, तो पहली एंट्री कहता है सोल्ड गुड्स टू मुस्कान एट लिस्ट प्राइस 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो मैं उसको वर्किंग नोट में दिखाता हूँ वो कैसे करेंगे। देखो बेटा, 2 लाख का आपका गुड्स था, आपने उसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी कि 2 लाख में 40,000 की छूट मिल गई। तो 2 लाख में से 40 गया तो कितना आ गया, 1,60,000। तो अब इसकी जनरल ट्रीटमेंट करेंगे तो वो कैसे बनेगी, ये बनेगी मुस्कान डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पर कितना दिखाएंगे आप, 2 लाख की जगह 1,60,000, 1,60,000। क्यों, मैंने पहले बताया था आपको ट्रेड डिस्काउंट की कोई ट्रीटमेंट शो नहीं की जाती, हाँ अमाउंट को लेस करके जरूर दिखाएंगे। तो नरेशन में आ जाएगा गुड सोल्ड टू मुस्कान एट लीस्ट, दैट मीन द ट्रेड डिस्काउंट 20%। सेकेंड जनरल देखते हैं सर, मुस्कान रिटर्न गुड्स टू अस। अब देखो, मुस्कान ने हमें 5,000 का माल वापस कर दिया, बिल्कुल वापस कर सकते हैं। हो सकता है उसको जो कलर होगा वो पसंद नहीं आया, हो सकता है उसको पैकिंग पसंद ना आए, हो सकता है उसमें टूट फूट हो गई हो, या कोई और XYZ कारण हो सकता है। ठीक है ना, साइज समझ में नहीं आया, कई चीज़ें हो सकती है। तो मुस्कान ने हमें 5,000 का माल वापस कर दिया, पर हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम मुस्कान को बोलेंगे भाई जब हमने आपको माल बेचा था तो हमने आपको 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो हम अब पूरा 5,000 का माल वापस नहीं लेंगे, हम भी उसमें से 20% लेस करेंगे। तो देखो बेटा, वर्किंग नोट में चेक करते हैं, सेकंड वर्किंग नोट देखिए, 5,000 का 20% होता है हमारा 1,000, तो हम उससे केवल 4,000 का माल वापस लेंगे। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न, भाई सेल्स हमारी क्या होती है इनकम, पर यहाँ पर रिटर्न हो रहा है तो मान लो क्या हो गया एक्सपेंस, तो सेल रिटर्न को हमने डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, क्योंकि मुस्कान क्या है गिवर, तो पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो 4,000 हमने दिखा दिया। अब जरा ध्यान से देखें, 2 लाख के बदले हमने उसको 1,60,000 दिए और 4,000 हमने वापस आ गया। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं तीसरी एंट्री। अब तीसरी एंट्री में आ रहा है कैश डिस्काउंट, इसको समझ लेते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब भी होलसेलर रिटेलर से पैसा चाहता है, जब भी होलसेलर रिटेलर से पैसा चाहता है और जो पैसा होता है वो क्रेडिट में, जो सामान होता है क्रेडिट में लेके जाता है बंदा होलसेलर से रिटेलर में, तो वो चाहता है कि भाई अगर ये मुझे जल्दी पेमेंट करे। अब जल्दी पेमेंट तो कोई नहीं करना चाहता, पर होलसेलर चाहता है भाई जिसका पैसा फंसा है वो तो चाहता है कि मुझे पैसा ज़्यादा मिल जाए, जल्दी मिल जाए, टाइम से मिल जाए। तो वो क्या कहता है कि अगर आप मुझे पेमेंट जल्दी करते हैं, मुस्कान को कह रहा है होलसेलर कि अगर आप मुझे पेमेंट जल्दी करती हैं तो मैं आपको उस पेमेंट में भी 4% की छूट दूंगा। भाई और मजा आ गया,
बताओ 20% पहले मजे ले लिए, 4000 का माल वापस कर दिया और अब 4% की छूट और मिल रही है, तो इससे बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है। चलो देखिए इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, इसका वर्किंग नोट चेक करते हैं। सर देखिए 160,000 थर्ड वर्किंग नोट देखिएगा बेटा, 160,000 में से 4000 का माल वापस हुआ, यानी कि मुस्कान ने मुझे 156,000 देने हैं, पर मैं 156,000 नहीं लेके मैं उसको 4% की छूट और दे रहा हूँ 156,000 में, तो यह कितना हो गया 6,240 रुपये की छूट और दे रहे हैं, तो अब मेरे हाथ में आएगा केवल 1,49,760, यानी कि 156,000 भी नहीं आ रहा और कमा रहा है। तो जनरल ट्रीटमेंट क्या बनेगी बच्चे, देखें कैश अकाउंट डेबिट हाथ में कितना पैसा आया 1,49,760, डिस्काउंट कितना दिया मैंने मुस्कान को 6,240 का, और टू मुस्कान, मुस्कान कहती है मेरा 156,000 का पूरा पेमेंट हो चुका है। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और 2-3 क्वेश्चन हम इसकी आगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।